हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट माई सर पे तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय चार जिसे हम लोग सारणिक कहते हैं या इसे डिटर्मिनाट भी कहते हैं तो इसमें जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर में पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने विविध प्रश्नावली डिटरमिनेंट का चला रहे थे तो उसमें हमने प्रश्न संख्या पांच तक कम्प्लीट करा दिया था तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखेंगे और प्रश्नावली हमारा कौन सा है तो भी भी तो विविध चलिए देखते हैं हम लोग हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है कि इतना डिटरमिनाट जो है इसका मान जो होगा square, square, square के बराबर होगा ठीक तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ले लेंगे है ना तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सिद्ध करना है हमें इतना बराबर यानी कि ये डिटर्मिनाट बराबर हमें क्या किया जाएगा कि LHS ले और RHS जाएगा तो चलिए तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कि सीवन में देखिए यानी पहले कॉलम में ए यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है इन दोनों में फिर यहाँ पे भी है यहाँ पे दूसरे कॉलम में देखिए बी यहाँ पर भी है यहाँ पे भी, है, यहां भी है, और यहाँ पर यहां पर भी है अब तीसरे कॉलम में देखिए सी यहाँ पर भी है यहां पर भी यहाँ यहाँ तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि C1, C2 तथा C3 से A, B तथा C कॉमन करने पर तो हमने जब कॉमन किया तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बचेगा A और यहाँ पर बचेगा A प्लस B बच जाएगा है ना ये A तो खत्म हो जाएगा सो तो यहाँ पे हमने उसी प्रकार लिखा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या बचेगा ए जब निकालेंगे तो बी बच जाएगा यहाँ पे देखिए बी जब निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा सी तो हमने सी लिख दिया फिर यहाँ पर क्या बचेगा बी तो बी लिख दिया हमने यहाँ पे बी प्लस सी बचेगी बी प्लस सी बचेगा तो ये हमने लिख दिया है अब यहाँ से सी हम कॉमन करेंगे तो सी जब निकालेंगे तो यहाँ पे ए प्लस सी बच जाएगा तो ए प्लस सी हमने लिख दिया यहाँ से भी सी निकाल लेंगे तो यहाँ पे केवल ए बचेगा यहाँ से सी स्क्वायर से सी निकालेंगे तो सी बचेगा तो यहां तक आपको समझ में आया होगा अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहां पर ध्यान देना ये कि ए और सी को एक में जोड़ दिया जाए, यानी ए को और सी को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी और उसमें से ए प्लस सी घटा दिया जाए तो यहाँ पे मान जो होगा जीरो आ जाएगा और हमको प्रसार करने पर कब मतलब सोल्व मतलब करने पर कब हमें अच्छा पड़ता है जब किसी रो या कॉलम्स का कोई भी एक दो पार्ट जीरो हो उसका जो पार्टिकल है यानी अवयव जो है उसका एक आध दो को अगर जीरो होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब एक्सपेंड करते हैं तो आसान पड़ता है तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सी वन प्लस सी टू में से सी थ्री घटा दिया ठीक तो किस पर काम करेंगे सी वन पर तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि सी वन पे काम कर रहे हैं सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री ठीक इन दोनों को जोड़ के यानी दूसरे दोनों कॉलम को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को जोड़ के तीसरे कॉलम को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार इसका परिणाम निकल के आ जाएगा देखिए तो जब इसको इसको जोड़ के और इसको घटाया जाएगा तो जीरो आ जाएगा यहां पर ये तो हमारा हम सी पे काम कर रहे हैं सी तो टू और सी उसी तरह उतर जाएगा ठीक तो ये सी टू सी जो है उसी तरह उतर गया है सी टू भी उसी तरह अब काम किस पे हो रहा है केवल सी पे तो ये जीरो हो गया उसके बाद अब ये ए प्लस है और इसको इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ए प्लस टू भी हो जाएगा ए प्लस टू बी में से ए को घटाएंगे तो ए खत्म हो जाएगा केवल क्या बचेगा टू बचेगा तो यहाँ पे हमने टू लिख दिया है उसी प्रकार इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे टू बी प्लस सी हो जाएगा सी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा केवल टू बी तो यहाँ पे टू बी हमने लिख दिया तो बाकी ये वाला और ये वाला उसी तरह उतर जाएगा ओके इतना समझ में आ गया अब हम लोग लिखेंगे कि R1 वन के अकॉर्डिंग या C1 वन के अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग आप तोड़ेंगे तो आंसर आएगा है ना तो हमने लिख दिया कि R1 वन के अनुसार प्रसार करने पर तो ये इस प्रकार है तो हमने ABC जो है ये वाला उसी तरह उतार दिया है R1 वन के सापेक्ष प्रसार करने पर अब उसके बाद R1 वन का R1 वन के सापेक्ष कि पहले पंक्ति के अनुदेश तो ये जब जीरो लेंगे तो जीरो जब लेंगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे बचेगा का बी ए बी प्लस सी और ये सी तो यहाँ पे हमने लिख दिया फिर माइनस ये सी लेंगे तो सी हमने लिख दिया जब सी लेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे बचेगा हमारा क्या टू बी ए टू बी सी जो कि यहाँ पे है फिर उसके बाद प्लस ए प्लस सी लेंगे ये वाला अभी हो तो हमने ले लिया प्लस ए प्लस सी जब ए प्लस सी लेंगे ना तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे बचेगा का टू बी बी टू बी बी प्लस सी सो यहाँ पे हमने लिख लिया अब इसका सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा तो देखिए जीरो में जब इन सभी का गुणा होगा ना तो जीरो हो जाएगा फिर ये माइनस सी है तो माइनस सी लिख दिया हमने अब टू बी का सी में गुणा होगा तो टू बी सी हो जाएगा उसके बाद फिर माइनस आता है तो माइनस टू बी में ए का गुणा होगा तो टू ए बी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिर प्लस ए प्लस सी ये हमने लिख दिया उसके बाद देखिये टू बी का इस बी प्लस सी में गुणा करेंगे तो टू बी गुणे बी टू बी स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस लगाएंगे

टू बी सी में गुणा करेंगे तो माइनस टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस सी का इसमें करेंगे तो माने ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हमने लिख लिया उसके बाद क्या हो जाएगा टू ए बी सी तो यहाँ पे टू ए बी सी हो जाएगा फिर प्लस यहाँ पे सिंबल देंगे ये देखिए कि ये टू बी सी का जो गुणा है ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए बी सी फिर अब ये टू बी सी प्लस का हम लोग सी में प्लस सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू बी सी स्क्वायर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में तो कट गया बचेगा क्या टू ए बी सी प्लस टू ए बी सी तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा फोर ए बी सी फोर ए बी सी हमने लिख दिया और ये ए बी सी पहले से प्रेजेंट है तो इसमें इसका गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्र सी स्क्वायर और यही क्या होगा आर एच एस होगा सो so, आपको ये समझ में आया होगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हाँ तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन बोला ए दिया है और बी बराबर दीजिएगा यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे बी दिया है ठीक तो, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि ए इन्स बराबर ये आबू और बी बराबर ये तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि चूंकि दिया है ए इन वर्स बराबर और बी बराबर है ना तो हमें ज्ञात क्या करना है ए बी का होल इन भर्स तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चूंकि क्या हम लोग जानते हैं कि एबी का इनवर्स जब निकालना है तो तो आप लोग जानते हैं कि बीन इनवर्स ए इन्स होता है इसके बराबर तो ये है हमारा चूंकि एबी का होल इनवर्स बराबर बीन इनवर्स ए इनवर्स ये हमने सारा का सारा अपने वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा डील कर चुके हैं तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एबी का होल इनवर्स बराबर बीन इनवर्स ए इनवर्स लेकिन अब बात उठता है यहाँ पर कि यहाँ पे ए इनवर्स तो है लेकिन बीन इनवर्स तो नहीं है तो नहीं है तो फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं बी का इनवर्स तो चूंकि आप लोग क्या जानते हैं कि जो बी का इनवर्स होता है तो बी का इनवर्स बराबर होता है बटा में इनवर्सिंट ऑफ बी एडज्वाइंट ऑफ बी तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बी का जो है डिटर्मिनाट ज्ञात करेंगे उसके बाद एडज्वाइंट ऑफ बी ज्ञात करेंगे तो हमारा बी इनवर्स आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ज्ञात करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनाट ऑफ बी तो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी इन भर्स की गणना करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा उतार लिया आपको मतलब सोलूशन करके दिखाने के लिए ठीक तो आइए हम लोग आर वन के सापेक्ष यानी कि पहले पंक्ति का अनुदेश हम लोग प्रसार कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू निकल जाएगा सो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग वन लेंगे यानी इसके अकॉर्डिंग छोड़ रहे हैं तो इसमें अवयव कौन सा कंसिडर करेंगे वन जब वन लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तीन जीरो माइनस दो एक बचेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमने एक ले लिया यहाँ पर अब तीन का एक में गुणा करेंगे तो तीन हो जाएगा फिर माइनस आता है माइनस दो का जीरो में करेंगे तो जीरो तो तीन में ध्यान देना है यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस अगर आर वन के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तब ठीक तो टू है हमारा तो टू जब लेंगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ना पड़ेगा बच्चे का माइनस वन जीरो जीरो वन तो वन का माइनस वन में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का वन सो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा उसके बाद फिर माइनस फिर उसके बाद जीरो का जीरो में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा जीरो तो जीरो हमने लिख दिया अब ध्यान दीजिए कि यहां पर प्लस आएगा ये माइनस है तो अब प्लस आएगा प्लस आ रहा है तो अब लेंगे हम लोग माइनस का दो तो यहाँ पे हमने माइनस दो लिख दिया जब माइनस दो लेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे बचेगा माइनस एक तीन जीरो माइनस दो माइनस दो का माइनस एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा दो तो हमने वही लिखा है दो फिर माइनस जीरो का तीन में करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा इतना तक आपको समझ में आ गया होगा तीन में से जीरो घटाएंगे तो तीन बचेगा तीन का एक में गुणा करेंगे तो तीन फिर ये माइनस अब ध्यान दीजिएगा माइनस और ये माइनस वन ये तो जीरो खत्म हो गया माइनस वन का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस टू लिख दिया हमने फिर उसके बाद माइनस दो का गुणा चार दो में होगा तो दो दुना चार और यहां पे देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे माइनस चार अब ध्यान दीजिएगा ये दो और तीन पांच हो जाएगा पांच में से चार घटेगा तो एक बचेगा तो so, यहाँ पे हमने लिख दिया है ठीक ये हमारा तो आ गया डिटर्मिनेट ऑफ बी का वैल्यू अब हमारा बात उठता है कि है किस पे क्वेश्चन होता तो अब हमें ज्ञात करना होगा बी। तो, बी क्या है? तो बी का सा खंड सा खंडज कहलाता है तो साखंड से पहले हमें साखंड ज्ञात करना पड़ेगा और जो साखंड होता है बी का वो किस प्रकार होता है तो बी का सा इस प्रकार होता है यानी कि बी का जो ये अब दिया हुआ है बी इसके सखंड को प्रत्येक अवयव के सखंड को हम लोग ये बी वन वन यानी ये बी अव्यु इसलिए यहाँ पे बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री इसी प्रकार डॉट 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 तो आइए हम लोग प्रत्येक का सखंड ज्ञात करते हैं तो चलिए हम लोग सखंड ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब हम बी का सखंडज के लिए सखंडज का गणना करेंगे तो सखंडज का गणना करना है तो हमने बताया कि जो पहला यानी ये वाले अवयव का जो सखंड होता है उसको किससे सूचित किया जाता है देखिये सखंडज और सखंड में अंतर होता है तो हम यहाँ पे अभी ये प्रत्येक सखंड यानी प्रत्येक अवयव का सखंड ज्ञात कर रहे हैं ठीक सखंडज कैसे निकलेगा तो वो अभी अभी हम पिछले तो वीडियो लेक्चर में बता रखे फिर भी बताएंगे ठीक तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बी वन वन हो जाएगा ठीक तो बी वन वन जब लेंगे तो इसका हम लोग सखंडज ज्ञात करेंगे सखंड तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे तीन जीरो माइनस दो एक यहाँ पे हमने लिख लिया तीन जीरो माइनस दो एक अब यहाँ पे बात उठता है कि यहाँ पे प्लस कैसे आया तो यहाँ पे प्लस इसलिए आया कि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को यानी कि एक एक को जोड़ेंगे यहाँ पे बी वन वन है ना ये सूचित कर रहा है पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव का अवयोग है है तो ये वन -वन को जोड़ेंगे तो टू हो जाएगा टू हमारा सम संख्या है इसलिए यहाँ पे प्लस अगर विषम संख्या होता तो माइनस तो अब आपको समझ में आ गया होगा तीन का एक में गुणा करेंगे तो तीन फिर माइनस माइनस दो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो तीन माइनस जीरो बराबर क्या होता है जीरो ही होता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया तीन अब उसके बाद फिर अब दूसरे अब का हम लोग सखंड ज्ञात करेंगे तो जब इसको इसका ज्ञात करेंगे ना तो इसको हम लोग सूचित करेंगे B1, 2 से अब देखिए वन टू को जब जोड़ा जाता है ना तो थ्री हो जाता है 3 हमारा नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस यानी विषम संख्या इसलिए माइनस आ गया है अब चलिए यहाँ पर जब टू लेंगे ना तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ना पड़ेगा यानी ये जिस अस्तम में उसको जिस पंक्ति में उसको बचेगा माइनस वन जीरो जीरो वन सो यहाँ पे हमने लिख लिया है अब ये माइनस हम उसी तरह लिख लेंगे उसके बाद माइनस वन का वन में गुणा करेंगे तो माइनस वन फिर माइनस जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो अब ये माइनस वन का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस तो यहां पे हमने लिख दिया अब हम लोग तीसरे, इस का हम लोग सखंड सखंड ज्ञात करेंगे तो माइनस टू के सखंड को किससे सूचित करेंगे तो बी वन थ्री से तो बी वन थ्री बराबर क्या हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे बच्चे का माइनस वन थ्री जीरो माइनस टू तो आइए लिख लेते हैं हम लोग सो यहाँ पे हमने लिख डाला है तो अब देखिए कि वन थ्री को जोड़ने पर फोर आ जाएगा फोर हमारा सम संख्या इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वन का माइनस टू में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दो का एक में होगा तो दो फिर माइनस जीरो का तीन में होगा तो जीरो दो माइनस जीरो माइनस वन का हम लोग सखंड निकालेंगे है ना तो माइनस वन के साखण्ड को बी टू वन से सूचित करेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला बचेगा टू माइनस टू माइनस टू वन तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसके बाद ध्यान दीजिए कि टू वन को जोड़ने पर थ्री आ जाएगा थ्री हमारा एक विषम संख्या इसलिए यहाँ पे माइनस दो का ये माइनस हमने उसी तरह लिख दिया और दो का एक में गुणा करेंगे तो दो फिर माइनस माइनस दो का माइनस दो में होगा तो माइनस माइनस प्लस दो दूना चार अब ध्यान दीजिएगा कि दो माइनस चार क्या होगा माइनस का दो और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे हमने लिख दिया दो और फिर उसके बाद अब तीन के सा खंड को ज्ञात करेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा वन माइनस टू जीरो वन तो यहाँ पे हमने लिख दिया वन माइनस टू जीरो वन अब ध्यान दीजिएगा कि टू टू को जोड़ेंगे तो फोर हो जाएगा फोर हमारा क्या है नंबर इसलिए यहाँ पे प्लस अब वन का वन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वन फिर माइनस जीरो में माइनस दो का होगा तो जीरो हो जाएगा वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन अब ध्यान दीजिए कि अब जीरो का हम लोग सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे बच्चे का वन टू जीरो माइनस टू सो हमने लिख लिया यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो और तीन को जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा पांच पांच एक विषम संख्या इसलिए यहाँ पे माइनस अब ध्यान दीजिए कि वन का माइनस टू में जब गुना हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का टू फिर माइनस जीरो में दो का होगा तो जीरो और ये माइनस कहा से आया है ये वाला तो ये आगे जो है ठीक अब देखिए कि ये जीरो तो खत्म हो जाता है माइनस दो का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस दो यहाँ पे लिखा जाएगा अब उसके बाद फिर जीरो का हम लोग सखंड याद करेंगे तो जीरो का सखंड याद करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे दो माइनस दो तीन जीरो बचेगा तो आइए हम लोग लिख लेते हैं तो बी थ्री वन इसको सूचित करेंगे बी थ्री वन बराबर क्या हो जाएगा तो ये थ्री वन को जोड़ेंगे तो फोर होगा फोर हमारा सम संख्या इसलिए प्लस अब देखिए कि यहाँ पे लिख लिया हमने दो माइनस दो तीन जीरो दो का इस जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो फिर माइनस तीन का माइनस दो में गुणा करेंगे तो तीन दो ना छह माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस सिक्स लिख दिया हमने ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस सिक्स आ जाएगा केवल ठीक अब उसके बाद माइनस टू का सहखंड याद करेंगे माइनस टू के सहखंड को किससे सूचित करेंगे तो बी थ्री टू से ठीक बी थ्री टू बराबर क्या हो जाएगा तो इसको छोड़ छोड़ देंगे देंगे इसको बचेगा 1, 1, सो हमने यहाँ पे लिख डाला है अब ध्यान दीजिएगा एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर कि 3, 2 को जोड़ेंगे तो फाइव होगा हमारा विषम संख्या इसलिए यहाँ पे माइनस वन का अब ये माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने वन का जीरो में जब गुणा होगा तो जीरो और फिर माइनस माइनस वन का माइनस टू में होगा तो माइनस माइनस प्लस दो एक दो लिख दिया हमने फिर ये माइनस का इस माइनस दो में होगा तो माइनस माइनस प्लस दो यहाँ पे आ जाएगा अब उसके बाद फिर इसका सखंड ज्ञात करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे बचेगा सो so हमने लिख लिया पर थ्री थ्री को जोड़ेंगे तो सिक्स होगा हमारा इवन नंबर इसलिए हाँ पे प्लस 1 का थ्री में गुणा करेंगे तो थ्री फिर माइनस माइनस वन का टू में गुणा होगा तो माइनस टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तीन दो पांच तो ये हमारा जो था ये सखंड ज्ञात हो गया अब सखंडज के लिए क्या किया जाता है तो सखंडज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सखंड दिया हुआ है यानी कि ये जो सखंड है इसका हम लोग डैश निकाल देते हैं डैश का मतलब क्या होता है तो डैश का मतलब होता है परिवर्त ठीक और परिवर्त जब निकाल देते हैं तो जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ में दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ जैसे कि यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे ये यह पहला पंक्ति जो है इसमें पहला स्तंभ हो गया है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ और जो सखंडज होता है उसको एडज्वाइंट ऑफ बी कहा जाता है तो सखंड और सखंडज में अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर ये यह सारा का सारा वैल्यू हम लोग बी वन वन बी वन टू सबका वैल्यू यहां पर रख देंगे ये हमारा ज्वाइंट ऑफ बी आ गया तो ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था अभी अभी कि जो हम बी इन वर्स हम लोग निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो बी इन वर्स बराबर होता है वन बटा में डिटर्मिनाट ऑफ बी इंटू एट ज्वाइंट ऑफ बी तो अब हम लोग ज्ञाप करेंगे बी इन वर्स तो यहाँ पर बी इनर्स बराबर क्या हो जाएगा बी इनवर्स बराबर वन बटा में डिटर्मिनाट ऑफ बी इंटू एट ज्वाइंट ऑफ बी अब देखिए कि वन बटा में ऑफ़ बी का जो वैल्यू था वन था ठीक? तो और वन में इसका गुणा होगा तो उतना ही होगा तो यानी कि बी इन बराबर क्या आ गया ये अभी प्राप्त हुआ तो आइए चूंकि हमें तो ज्ञात करना था ए बी का होल इन बराबर बी इन और ए इन भर्स तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तो अब हमने लिखा कि अब ए बी का होल इन वर्स बराबर बी इन अब देखिए कि ये 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 का का हमने रख रख दिया दिया व्यू अब हम लोग इसका गुणन निकाल देंगे तो आप जानते हैं कि जो पहला पंक्ति होता है उसमें पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में फिर तीसरे स्तंभ में गुणा किया जाता है जोड़ दिया जाता है ठीक फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में गुणा किया जाता है जोड़ दिया जाता है तो आइए हम लोग करके देखते हैं इसी प्रकार तो तीन का तीन में होगा तो नौ फिर प्लस यहाँ पे आता है लेकिन दो का माइनस पंद्रह में होगा तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा पंद्रह दूना तीस तो माइनस तीस आएगा और यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस तीस लिख दिया फिर छह का पांच में गुना होगा तो छीस अब उसके बाद फिर इसी पहले पंक्ति का जो है दूसरे स्तंभ में होगा तो अब जब दूसरे स्तंभ में <usallamme> करेंगे तो तीन का माइनस एक में गुणा करेंगे तो माइनस तीन फिर दो का छह में करेंगे तो छह दूना बारह तो प्लस बारह फिर यहाँ पे भी प्लस आता है लेकिन माइनस से गुना होने के बाद प्लस हो जाता है देखिये यहाँ पे माइनस कैसे आया है तो छे का गुणा हम लोग दो में करेंगे तो छुना बारह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सो so यहाँ पे माइनस बारह उसके बाद फिर तीन का एक में करेंगे तो तीन एकम तीन फिर प्लस आता है लेकिन गुणा हुआ है माइनस का इसलिए यहां पे माइनस हो गया है दो का फिर माइनस पांच में होगा तो पांच दुना दस यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस दस उसके बाद फिर छह का दो में होगा तो छह दुना बारह तो यहाँ पे देखिए प्लस बारह है ओके अब समझ में आ गया होगा अब दूसरे पंक्ति का जो है फिर सब में करेंगे तो ये एक का तीन में करेंगे तो तीन एकम तीन फिर उसके बाद देखिए ये फिर एक का माइनस पंद्रह में करेंगे तो माइनस पंद्रह फिर उसके बाद प्लस हमने दे दिया फिर दो का इस पांच में करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच गुना दस फिर उसके बाद एक का गुणा इस माइनस एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक फिर छे का गुण फिर एक का गुणा छ में करेंगे तो छह हम... छह प्लस छ लिख दिया हमने फिर यहाँ पे भी प्लस होता है लेकिन माइनस से गुणा होने के कारण यहाँ पे माइनस आ गया है दो का गुणा माइनस दो में होगा तो माइनस चार इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है ठीक अब उसके बाद फिर तीसरे अस्तम में होगा तो एक में एक का होगा तो एक फिर प्लस यहाँ पे आता है लेकिन माइनस से गुणा हो जाने के कारण माइनस हो गया है एक का माइनस पांच में गुणा होगा तो, तो माइनस पांच फिर दो का दो में होगा तो चार हो जाएगा प्लस ठीक अब उसके बाद इसी प्रकार तीसरे से भी कर लेंगे तो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर देखिए ये नौ बच जाएगा केवल क्यों तो क्योंकि ये माइनस में तीस है प्लस में तीस जाएगा यहाँ पे क्या आएगा नौ उसके बाद ये प्लस में बारह माइनस में बारह कट जाएगा यहाँ पे क्या बचाए केवल माइनस तीन तो माइनस तीन हमने लिख दिया अब देखिए यहाँ पे कि ये बारह और ये तीन पंद्रह पंद्रह में से दस घटेगा तो पांच बच जाएगा पांच तो हमने लिख दिया फिर दस और तो तीन तेरह तेरह में से पंद्रह घटेगा तो पंद्रह चूंकि बड़ा है माइनस में है तो ये माइनस दो आ जाएगा यहाँ पर छह प्लस में ये माइनस एक और ये माइनस चार माइनस पांच और छ में से माइनस पांच घटा देंगे तो क्या बचेगा सॉरी छह माइनस पांच हो जाएगा तो एक बचेगा उसके बाद ये चार और ये एक पांच पांच माइनस पांच जीरो हो जाएगा उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि पच्चीस और इकतीस में से तीस घटेगा तो एक बचेगा ओके okay, अब उसके बाद देखिए बारह ठीक ये प्लस दस माइनस दस कट गया केवल क्या बचेगा दो तो यहाँ पर हमने दो लिख दिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा ए बी का होली तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद वीडियो लंबा हो रहा है और इसी तरह का और भी वीडियो चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए हैं तो और पुराने हैं तो वे लाइकन को ऑन रखें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसका मिलते रहेगा आपको तो so, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं धन्यवाद